नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिमन्यु गौतम। सो गाइज, वेलकम टू द माई चैनल। एंड जैसे कि हमने CCNA की सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है, और उस सीरीज में ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है जो कि द सिस्को iOS हमारा पार्ट चल रहा है, जो सेक्शन चल रहा है उसमें ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करते हैं iOS मोड्स ऑन सिस्को डिवाइस, यानी कि हमारे कितने मोड्स होते हैं जो हमारी सिस्को डिवाइस होती है, यानी कि जो स्विचेस या राउटर हैं उनमें जो हमारा iOS यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसमें क्या मोड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द iOS मोड इन सिस्को ड्राइवर डिवाइस, सॉरी सॉरी सिस्को डिवाइस, यानी कि सिस्को iOS जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि कुछ मोड्स होते हैं, यानी कि आप लेवलिंग भी बोल सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक मोड में, एक पर्टिकुलर मोड में पर्टिकुलर कमांड ही फंक्शन करती है। और यही इसमें मैंने कि एक पर्टिकुलर आपका जो मोड है उसमें पर्टिकुलर कमांड ही यूज हो सकती है, यानी कि एक सेट ऑफ कमांड्स हैं जो कि एक प्रॉपर आपके मोड में ही यूज हो सकती हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मोड होते हैं, उनके क्या कमांड है, वो कैसे शो होते हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसमें मैं बात करता हूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं राउटर, तो जस्ट उसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है कि यूजर EXEC मोड अनेबल होता है, यानी कि वो उस टाइम जैसे ही आपने राउटर ऑन किया और उसके बाद जो उसका स्टार्टअप कॉन्फ़िगर स्टार्ट होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है जिसमें आप प्रॉपर देख सकते हो, तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप लाइक और एक लेवल पे पहुंचोगे, यानी कि जहां से आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट, यानी कि जहां से राउटर स्टार्ट होता है आफ्टर स्टार्टअप, जहां से राउटर यानी कि जो फर्स्ट आता है वो इसमें होता है, वो मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा उसमें आपको दिखा दूंगा नो डाउट। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट मोड आता है वो सबसे पहले मोड जो होता है वो होता है यूजर EXEC मोड, जिसमें सिर्फ होस्ट का नेम होता है, यानी कि राउटर ही उसमें बाय डिफॉल्ट नेम आता है और ये सिंबल उसमें होता है, अपेंडेंस उसमें होता है। फिर उसके बाद आता है प्रिविलेज EXEC मोड। इसमें क्या होता है कि आप फाइल्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप जैसे जैसे वीडियोस आगे होंगी मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो उसमें क्या है कि आप उसमें चेक कर सकते हो, राउटर कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, राउटर पोर्ट्स चेक कर सकते हो, तो वो होता है हमारा सब कुछ प्रिविलेज मोड में। फिर उसके बाद आता है, अगर मतलब हमको, अब आप सोच रहे होंगे प्रिविलेज मोड में कैसे जाएंगे, उसमें क्या होगा कि आपको राउटर जो आपके सामने एरो निशान बना हुआ है इसमें आपको डालना होगा अनेबल, और जैसे ही आप अनेबल एंटर करोगे तो उसके बाद आप पहुंच जाओगे प्रिविलेज मोड में। फिर उसके बाद अगर उसको आपको वापस यूजर मोड में आना है तो आपको लिखना होगा डिसेबल, तो आप आ जाओगे वापस प्रिविलेज मोड में। फिर उसके बाद आता है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कि हमारा राउटर यानी कि सिस्को आईओएस में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे आप देख रहे हो राउटर कॉन्फ़िग हैज, ये सिंबल है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का। अब इसमें जाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा ऐसे ही कि राउटर आपका जैसे जस्ट एक सिंबल होगा, फिर उसके बाद आपको पहले प्रिविलेज मोड में जाना होगा उसको अनेबल करके, फिर उसके बाद आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंचोगे और वहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट, यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आपको बाहर आना है, प्रिविलेज मोड में जाना है, तो आपको कमांड लिखनी होगी एग्जिट। फिर उसके बाद आता है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि आपने यूजर EXEC मोड के बारे में पढ़ा, फिर आपको प्रिविलेज मोड के बारे में, और अब आप पढ़ रहे हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिसमें हमारी राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जो इसमें है, अब आपके सामने जो वीडियो में जो आपको दिख रहा है, इसमें है कि इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड और
राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, यानी कि अब इसमें मैं बात करता हूँ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कि हमें अपने इंटरफेस जो है, जो हमारे इंटरफेस कनेक्टेड होंगे फास्ट इथरनेट व्हाटएवर, वो हमारे कॉन्फ़िगर होंगे राउटर कॉन्फ़िगर इफ मोड में। फिर उसके बाद आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड यानी कि राउटर कॉन्फ़िग लाइन हैज, ये इसमें कॉन्फ़िगर होगा हमारा, जैसे कि टेलनेट हम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कंसोल पोर्ट आपने ले रखा है, वो सब हमारे कॉन्फ़िगर हो गए हमारे राउटर कॉन्फ़िगरेशन लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और फिर आता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, यानी कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या होता है कि जो आप प्रोटोकॉल या फिर डायनामिक राउटिंग वाले प्रोटोकॉल आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि RIP, EIGR, POS, PF, या फिर आप स्टैटिक रूट करना चाहते हो, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। फिर इसके बाद हमारा आता है कि आपको रिकॉल करना है, यानी कि आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप अगर कॉन्फ़िगरेशन इफ मोड यानी कि इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप पहुंच गए हो, लेकिन वहां से आपको एग्जिट करना है, आपको बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो राउटर कॉन्फ़िग इंटरफेस इथरनेट 0, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, जो कि आपको सिर्फ राउटर कॉन्फ़िग यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको लिखना होगा। देन उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप पहुंच जाओगे राउटर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो कि है कॉन्फ़िग इफ। तो इसमें क्या होता है कि आप जितने भी, यानी कि आपका सीरियल कनेक्शन है, ETM कनेक्शन है, इथरनेट पोर्ट कनेक्शन है, फास्ट इथरनेट कनेक्शन है, या फिर आपको टोकन रिंग इंटरफेस है, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटर कॉन्फ़िग इफ मोड में। और एज मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पोर्ट है, यानी आपका पोर्ट अगर इथरनेट है, तो यहाँ पे इथरनेट पोर्ट आपका 0 से ही स्टार्ट होगा, आपका सीरियल पोर्ट है वो भी 0 से, फर्स्ट वाला 0 से ही स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 चलता है इसमें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये वाला आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरफेस कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है, और राउटर कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ पे होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा लाइन, यानी कि लाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरफेस पढ़ा है कि अब राउटर कॉन्फ़िग इफ कहाँ पे चलता है, फिर यहाँ पे आती है लाइन, हमारी बात लाइन की। लाइन यानी कि आपका जो ऑक्सिलरी पोर्ट है, या फिर आपका कंसोल पोर्ट है, यानी कि या फिर आपका VTI, हम सिस्को iOS में जो हम टेलनेट से एक्सेस लेते हैं, या फिर आप पुट्टी से एक्सेस लेते हो, उसको हम बोलते हैं VTY। तो VTY लाइन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसमें जो होता है कि जैसे ही आप लिखोगे राउटर कॉन्फ़िग, जो कि आप ग्लोबल मोड में आप टाइप करोगे लाइन कंसोल 0, देन आप स्टार्ट हो जाओगे जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी कि जो भी कमांड्स IP एड्रेस आपको देना है, वो सब प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो राउटर कॉन्फ़िगर लाइन आपको इसमें आप आगे फर्दर कमांड्स ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हो, अगर आपको VTY लाइन कॉन्फ़िगर करनी है टेलनेट के लिए, तो आपको 04, यानी कि VTY लाइन में क्या होता है कि मल्टीपल कनेक्शंस, यानी कि ये लाइन VTY 0 पे 4 कनेक्शन आपके क्रिएट हो सकते हैं, जो आप प्रॉपर एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है, जैसे कि हमारा RIP, OSPF और EIGRP और IGRP जो है हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमारे यूज होते हैं, हमारे कॉन्फ़िगर होते हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हमने इस वीडियो में जो पढ़ा वो था कि हमारे कौन से मोड होते हैं, यूजर EXES मोड, और हमारा प्रिविलेज मोड, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। फिर हमारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में 3 पार्ट होते हैं, जो कि है राउटर कॉन्फ़िगरेशन और लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो गाइज, थैंक यू, keep watching और keep